हमें यहाँ पर स्पॉन्सरशिप भी दी है, सहायता फाउंडेशन, हम उनका भी दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया करते हैं। और एक और एक फाउंडेशन जिसका हम नाम नहीं भूल सकते, उन्होंने भी अभी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है, CCSF, हम उनका भी दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास करके जिन्होंने इस क्रिकेट प्रीमियर लीग को इतनी बड़ी ताकत दी है, पावर किया है, और जिस तरह से पावरफुल बल्लेबाजी करता हुआ, ये पावरफुल बल्लेबाज सक्सेसफुल गेंद को भेजता हुआ 6 रनों के लिए शादाब। और उसी तरह यहाँ पर जिस तरह से पावर बल्लेबाजी हम देख रहे हैं, उसी तरह से इस टूर्नामेंट को, इस क्रिकेट प्रीमियर लीग को पावर करने के लिए द वन एंड ओनली द आयरन लेडी, एक शुभचिंतक, गरीबों के मसीहा, जरूरतमंदों के साथ हमेशा खड़े रहने वाली चिता कैंप की लाडली, हमारी राष्ट्रवादी युवती, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सना मलिक साहिबा का भी हम दिल की गहराइयों से यहाँ शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ शेर ए महाराष्ट्र बेबाक कार्य सम्राट नवाब मलिक साहब का भी हम दिल की गहराइयों से यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। और इस बीच 9 की गेंद पर 4 रन आया जरूर है, और यहां पर स्कोर दर्शाता है। और जी बिल्कुल, ये नन्ना मुन्ना सा खिलाड़ी कौन है, बड़ा प्यारा लग रहा, महेश महादेश। लेकिन एक चीज है कि चीता गेम के सरजमीन पर हमेशा ये दिखाई देता है, कोई भी क्रिकेट स्पर्धा हो, कोई भी प्रीमियर लीग हो, बड़ा प्यारा सा ये बच्चा। और इतनी खूबसूरत लग रही है खलील भाई की स्पॉन्सर की हुई ये टी शर्ट, उस पर और ज्यादा खिलकर आ रही है। और यहां पर रयान की थोड़ी सी खराब गेंद, और उसका पूरा लेंगे समाचार, फ्री हिट की गेंद, शादाब ने किया है 6 से रयान को आदाब 6 रनों के लिए। फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज, बॉल थी आर्क में, पहुंचाया है सामने वाले नाना नानी पार्क में। बिल्कुल पूरे दमखम के साथ बल्लेबाजी करते हुए, पावर प्ले में अपना पूरा दमखम दिखाते हुए, एक पावरफुल बल्लेबाज की निशानी यहां पर दिखते हुए शादाब की तरफ से, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यहां पर शादाब ने कहा है गेंदबाज को कि जरा सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करें। कल के मैन ऑफ द मैच जरूर रहे थे रयान। फिर से इस बार दंदनादन दर्जेदार षटकार, कमाल की बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी, गेंदबाज पर पूरा प्रेशर यहां पर डालते हुए यहां पर अपना धाबा बोला है, हल्ला बोला है, उनका बल्ला करता हुआ हल्ला, जिसके चलते डीबी ब्रोस का खे मोहल्ला यहां पर झूमता हुआ। और मेरे ख्याल से शायद ये पहला ओवर है, शायद अब तक अभी ओवर हुआ भी नहीं है, एक गेंद अभी भी रहती है, और स्कोर जा पहुंचा है 31 रन। और पूरे रन अगर वो 9 निकालते तो सारे के सारे रन, 30 रन यहां पर शादाब ने अकेले ने बनाए। तो रयान को थोड़ी अच्छी गेंद करनी होगी आखिरी। इस बार फिर से बल्ले के बिल्कुल सामने, और गेंद को भेज दिया है चर्च के सामने वाले पार्क में 6 रनों के लिए। और मेरे ख्याल से सबसे महंगा ओवर है शायद पूरे SPL Season 3 का, मेरे ख्याल से ये सबसे महंगा ओवर होगा। तो शादाब ने यहां पर दिखाया अपना दमखम, कहा है कि भाई साहब करिए अच्छी लाइन, वरना हम नहीं है किसी से कम। और स्कोर भी पहली ओवर में अगर आप 37 रन जड़ दे तो किसी भी टीम के लिए काफी परेशानियां बढ़ जाती है, काफी दिक्कतें बढ़ जाती है। लेकिन देखना होगा अब यहां से ऐसा कौन सा गेंदबाज आएगा
जो यहाँ पर जी बिल्कुल देख सकते हैं, एक मैच विनर, एक मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को रिप्लेस करेंगे दूसरे मैन ऑफ द मैच यानी कि रियो। तो ये रियो, अब यहाँ पर रियो भी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो काफ़ी भाकड़ है, काफ़ी दमकम रखते हैं, और जितना मेरे ख्याल से मैंने देखा है उसे यहाँ पर खेलते हुए, जितना उल्टे हाथ से नहीं खेलते उससे भी ज़्यादा खतरनाक रिवर्स खेलते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर को यहाँ पर उन्हें कम करना होगा, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि अगर इसी तरह से अगर रन चलते रहे तो काफ़ी ज़्यादा अगर पहाड़ हो जाएगा तो फिर वो चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर पहाड़ जितना छोटा हो तो उतनी एनर्जी कम लगती है और कम टाइम लगता है और आप पहुंच भी जाते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा बड़ा पहाड़ होता है तो मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अब देखना होगा, एक स्टार बल्लेबाज, एक आइकॉन बल्लेबाज डीबी ब्रोस का जिशान स्ट्राइक पर।